डिसिप्लिन का मतलब माइकल के लिए क्या है? ओलंपिक्स के लिए शरीर और मन को तैयार करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले, इंसानी शरीर की हद छूने वाले एथलीट की तरह सोचना और उसकी तरह जीना। फेल्प्स कहते हैं कि हर दिन सेक्रीफाइस करना होता है, आपके पास बाकी चीजों के लिए समय नहीं होगा, और एक ही गोल के लिए एक ही रूटीन बार बार फॉलो करना मेरे डिसिप्लिन की चाबी है। किसी भी काम पर सालों तक अपना ध्यान लगाए रखना माइकल फेल्प्स के लिए असंभव बात थी। वे बचपन में ADHD यानी अटेंशन डिसऑर्डर से ग्रसित थे। उस समय तो उनके लिए एक जगह पर भी बैठ पाना कठिन काम था। जब उन्हें स्विमिंग के लिए प्रेरित किया गया तो जैसे उनको नया डायरेक्शन मिल गया। फेल्प्स सालों तक बेस्ट एथलीट बनने के मिशन में लगे रहे। उन्होंने सालों तक अपना गोल आंखों से ओझल नहीं होने दिया। माइकल कहते हैं कि आपकी सारी कमियों को दूर किया जा सकता है अगर आप अपना मन और समय उस पर लगा दे तो। वे कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि ये मन सब कुछ कंट्रोल करता है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दोस्तों, फेल्प्स एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। अगर हम उनकी तरह अपनी कमियों को पूरी तरह हटा नहीं सकते, फिर भी उन्हें मैनेज जरूर कर सकते हैं, उनका प्रभाव जरूर कम कर सकते हैं और अपनी ताकत पर खेल सकते हैं।